अब हम स्ट्रिंग क्लास बफर और बिल्डर के साथ देखते हैं। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर दोनों ही एक क्लास है, राइट? ये जब हमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने हो स्ट्रिंग के अंदर, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों के बीच का मेन डिफरेंस यही है कि स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर जो है, दोनों ही एक सिंक्रोनाइज्ड है और दूसरा अनसिंक्रोनाइज्ड है या फिर नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है? स्ट्रिंग बफर जो है दैट इज़ सिंक्रोनाइज्ड, राइट? अब ये कब यूज़ होगा? जब हमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अपनी स्ट्रिंग के अंदर करने हो तब। स्ट्रिंग बिल्डर भी सेम उसके जैसा ही है, बट ये जो है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है? दोनों के बीच का सिर्फ यही डिफरेंस है। अब स्ट्रिंग बफर जो है वो चार कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करता है। पहला है स्ट्रिंग बफर जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? दूसरा है स्ट्रिंग बफर जिसके अंदर हम इंटीजर साइज दे सकते हैं। तीसरा स्ट्रिंग बफर जिसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग पास करेंगे। और फोर्थ वन है स्ट्रिंग बफर जिसके अंदर हम कैरेक्टर सीक्वेंस और किस पोजीशन पर हमें चेंज करना है वो कर सकते हैं, ठीक है? अब स्ट्रिंग बफर क्लास की हम सारी मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपेंड मेथड, ठीक है? अब जैसे नाम से हमें कुछ पता चल रहा है, अपेंड मतलब कि जब हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, राइट, उसके साथ कुछ ऐड करना हो, मतलब कि कॉन्केट करना हो या कंबाइन करना हो, ठीक है, तब हम ये अपेंड नाम के मेथड को यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब देखो, अपेंड नाम के मेथड भी तीन तरीके से यूज हो सकती है। सबसे पहले स्ट्रिंग बफर अपेंड और उसके अंदर हमें कोई स्ट्रिंग पास करनी है, राइट, मतलब कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास कर देंगे। दूसरा है स्ट्रिंग बफर अपेंड इंटीजर एन, मतलब कि पर्टिकुलर कोई पोजीशन पर हमें स्ट्रिंग ऐड करानी है, ठीक है? लास्ट वन है स्ट्रिंग बफर अपेंड और ऑब्जेक्ट और ओबीजे, मतलब कि हम अपनी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास करके वहाँ पे कुछ ऐड कराएंगे। अब स्ट्रिंग बफर या बिल्डर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज़ अ सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि हमारा नाम है, राइट, वो क्या होता है, चार पांच कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि कलेक्शन होता है, ठीक है? अब हम अपेंड नाम की जो हमारी मेथड है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है क्लास स्ट्रिंग टेस्ट, ठीक है? अब एक ब्रैकेट ओपन, उसके जस्ट बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्लास यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो स्ट्रिंग बफर str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। अब इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, दैट इज़ रोल नंबर इज। अब हमें अपेंड मेथड यूज़ करनी है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपेंड मेथड को कॉल कराते हैं। स्ट्रिंग str append डॉट अपेंड और इन ब्रैकेट 1, 2, 3, यहाँ पे हम अपेंड की जो दूसरी वाली मेथड थी जिसके अंदर हम कोई इंटीजर नंबर ऐड करा सकते हैं, वो वाली ले रहे हैं। तो str डॉट अपेंड 1, 2, 3 और सिस्टम डॉट आउट डॉट println और str, राइट। अब प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं जावा सी स्ट्रिंग टेस्ट डॉट जावा, डन। अब नेक्स्ट जावा स्ट्रिंग टेस्ट, तो रोल नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3। रोल नंबर हमने पहले से ही स्ट्रिंग ले ली थी, राइट, उसके साथ हमने क्या अटैच कराया, 1, 2, 3। तो ये हो गई हमारी अपेंड मेथड। अब इंसर्ट मेथड, अब इंसर्ट मेथड कब काम आती है, जब हमें किसी भी स्ट्रिंग को पर्टिकुलर पोजीशन पर कुछ एंटर कराना हो, राइट। अब ये भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब यहाँ हमने क्लास इंसर्ट करके लिया है, राइट, जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब स्ट्रिंग बफर sb इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और हेलो, राइट, यहाँ पे हमने हेलो करके एक स्ट्रिंग ली है। अब sb डॉट इंसर्ट, अब हम फिफ्थ पोजिशन पर जावा नाम की स्ट्रिंग को इंसर्ट करा रहे हैं, राइट। अब देखो क्या होगा कि स्ट्रिंग जो है वो एरे के फॉर्म में स्टोर हो रही है, दैट मीन्स h जाएगा 0 पोजीशन पर, e 1 पोजीशन पर, l 2 पोजीशन पर, ये
L अगेन थर्ड पोजीशन पर और O जो है वो फोर्थ पोजीशन पर, दैट मींस 0, 1, 2, 3 और फोर्थ. अब हेलो और उसके जस्ट बाद ऐड होगा जावा, राइट. अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और SB, हमने अपना जो ऑब्जेक्ट था उसे प्रिंट करा दिया, राइट. अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम आउटपुट कैसे मिलता है. अब हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो उसके लिए जावा सी इंसर्ट डॉट जावा, राइट. नाउ नेक्स्ट लाइन जावा इंसर्ट, जैसे कि मैंने बोला फिफ्थ नंबर की पोजीशन पर हमें कुछ ऐड इंसर्ट कराना है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ नंबर की पोजीशन पर हमें क्या मिल गया, जावा, राइट. दैट मीन्स अगर हमें पर्टिकुलर कोई भी पोजीशन पर कुछ भी इंसर्ट कराना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंसर्ट मेथड. अब नेक्स्ट मेथड रिप्लेस मेथड. अब रिप्लेस मेथड कब काम आती है, जब हमारी स्ट्रिंग जो है उसके हमें स्टार्टिंग में या फिर एंड में कुछ भी रिप्लेस कराना हो, ठीक है. इसके लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग एक स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसके अंदर हम आगे या पीछे कुछ भी रिप्लेस कराएंगे, ठीक है. अब ये भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. यहाँ पे हमने क्लास रिप्लेस करके लिया है, राइट. अब मेन मेथड उसके बाद स्ट्रिंग बफर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और हेलो, राइट. अब हम क्या करा रहे हैं, SB डॉट रिप्लेस, मतलब ये हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स और ये हमारी एंड इंडेक्स, बराबर. अब वन और थर्ड उसके बीच में हम क्या इंसर्ट करा रहे हैं, जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और SB, राइट. अब रिप्लेस की हुई स्ट्रिंग हमें प्रिंट करके चाहिए. अब ये भी हम कंपाइल करके देखते हैं कि आउटपुट क्या मिल. अब आ गए हम अपनी स्क्रीन पे. अब हम लिखते हैं जावा सी रिप्लेस डॉट जावा, अगेन जावा रिप्लेस, ठीक है. अब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं. अब हमने क्या किया था, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के बीच में हमें इंसर्ट कराना है जावा. सो ये 0, 1, ये 1 पर एच मिल गया हमें, राइट. अब जावा इंसर्ट होगा और थर्ड पोजीशन तक, ठीक है. तो थर्ड पोजीशन पर क्या आता है, 0, 1, 2 और 3, एल आ गया, तो एच जावा एल ओ, राइट. पहली स्ट्रिंग हमारी क्या थी, हेलो, और फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच में हम लोगों ने एंटर कराया और रिप्लेस कर किया जावा स्ट्रिंग से, राइट. तो एच और एल ओ सेम रह गया, बट ई एल के प्लेस पे क्या आ गया, जावा, राइट. तो ये किसी भी स्ट्रिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए काम आता है, बट कंडीशन क्या है कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देनी पड़ती है, ठीक है. अब डिलीट मेथड, ये भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसमें से स्टार्टिंग और एंड, मतलब कि पर्टिकुलर पोजीशन पर से हमें कुछ भी डिलीट कराना हो तो उसके लिए काम आती है. यहाँ पे भी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स का नंबर देना होता है, राइट. ये भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं. यहाँ पे हमने डिलीट नाम का क्लास लिया है जिसके अंदर स्ट्रिंग बफर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो. अब SB डॉट डिलीट, अब हम क्या करा रहे, स्टार्टिंग और एंड पोजीशन दे दी, ठीक है, इंडेक्स नंबर दे दिया. अब फर्स्ट और थर्ड तक जो भी होगा वो सारा हमें डिलीट कर देना है. और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन SB, अब हमने SB के अंदर जो भी स्टोर होगा, राइट, वो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं. अगेन प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. अब जावा सी डिलीट डॉट जावा, नेक्स्ट जावा डिलीट, ठीक है. अब देखिए हमने क्या किया था, फर्स्ट और थर्ड नंबर की पोजीशन के बीच में सारा कुछ जो भी हो वो हमें डिलीट कर देना है. सो अगेन एच 0 पर, ई 1 पर, तो ए डिलीट हो गया 0, 1, 2 और 3, ई एल डिलीट हो गया, राइट. तो हमें क्या मिला, ओनली एल और ओ, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन पर से हमें अगर कुछ भी डिलीट कराना हो तो उसके लिए हमें यूज करनी है डिलीट नाम की मेथड. अब रिवर्स मेथड देखते हैं. अब रिवर्स मेथड क्या है स्ट्रिंग बफर क्लास की, अगर हमें करंट स्ट्रिंग को रिवर्स कराना हो तो उसके लिए हमें यूज़ करनी है रिवर्स नाम की मेथड, ठीक है. ये भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे काम करता है.
यहाँ पे हमने लिया है क्लास स्ट्रिंग मेथड, जिसके अंदर मेन मेथड, उसके बाद स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर हेलो, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। सो एस पी डॉट रिवर्स और ब्रैकेट, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और एस बी को हमने प्रिंट करा दिया। अब एक और बार प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है। अब आ गए हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है। हो गया कंपाइल, अब रन करते हैं। सो हमने लिखा था हेलो, ये पूरा रिवर्स होके हमें मिल गया ओले, राइट। तो अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है तो आपको यूज़ करना होगा स्ट्रिंग बफर क्लास की रिवर्स नाम की मेथड। अब इसकी लास्ट मेथड देखते हैं, दैट इज़ कैपेसिटी मेथड, राइट। ये मेथड क्या करेगी, हमारी स्ट्रिंग की जो करंट कैपेसिटी है, राइट, मतलब कि बफर में स्टोर होगी तो उसकी करंट कैपेसिटी क्या है वो हमें रिटर्न करेगी। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जो है वो 16 होती है। अब जैसे जैसे कैरेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे कैपेसिटी भी बढ़ेगी, राइट। पहले हमने 4 कैरेक्टर लिए, उसके बाद 5 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 9 लिए। जैसे जैसे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर हमें नई कैपेसिटी को मेजर करना हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जिसके लिए हमें लिखना है ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि करंट कैपेसिटी है 16, राइट। तो अगर मुझे ये मेजर करनी हो तो 16 क्रॉस 2, राइट, प्लस 2। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, और 32 प्लस 2 34, ठीक है। तो हम इस तरीके से कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, राइट। अब ये भी हम एक प्रोग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हमने लिया है क्लास कैपेसिटी, जिसके अंदर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। हम पहले डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या है वो प्रिंट कराएंगे, उसके लिए हमने ये ले लिया, राइट। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी डॉट कैपेसिटी, ये क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है, राइट, स्ट्रिंग बफर की, वो प्रिंट करेगा। अब एस बी डॉट अपेंड, उसके अंदर हम कुछ ऐड करा रहे, दैट इज़ हेलो। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस पी डॉट कैपेसिटी, अब डिफ़ॉल्ट पहले प्रिंट होगी, उसके बाद हमने हेलो नाम की स्ट्रिंग को उसके अंदर अपेंड कर दिया, राइट। अब एस बी डॉट अपेंड जावा इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, एक और चीज़ हमने ऐड की। अब वापस से कैपेसिटी मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी प्रिंट होगी, यहाँ उसकी कैपेसिटी में वो उतना स्टोर होगा, और अब जाके यहाँ पे लास्ट वाली लाइन जो है ये, उस पर हम कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। अब हमने लिख दिया जावा सी कैपेसिटी डॉट जावा, राइट। अब हमें इसको रन करना है, तो उसके लिए जावा कैपेसिटी। सो पहली बार हमें मिला 16, राइट। अब डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है 16 और हम लेटर एंटर करा रहे हैं 5, हेलो मतलब 5, ठीक है। अब उसके अंदर नई स्ट्रिंग ऐड करा रहे, तो अब हमें उसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस वाली लाइन पे कैपेसिटी कैलकुलेट हो रही है, दैट इज़ 16 क्रॉस 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 34, ठीक है। इसका मतलब अब हमें नई कैपेसिटी मिल रही है, दैट इज़ 34, राइट। तो अब तक हमने देखा कि स्ट्रिंग बफर की सारी मेथड्स क्या है और वो कैसे काम करती है।